साथियों, एक अत्यंत दुखद खबर लेह लद्दाख से आ रही है। भारतीय सेना का वाहन पलटी खाने से भारतीय सेना के 7 जवान शहीद हो गए हैं, वहीं कई जवान घायल हो गए हैं। घायलों को सेना अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। सेना के वाहन के पलटी खाने की सूचना सेना के अधिकारियों के द्वारा मिली, वहां पे रेस्क्यू चलाया गया। तत्पश्चात सभी सैनिकों को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि सेना का वाहन विशेष अभियान के लिए जा रहा था, वहीं गहरी नदी में गिरने से सेना का वाहन पलटी खाने से भारतीय सेना के 7 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। आपको बता दें कि लेह लद्दाख के तुरतुक सेक्टर में सैनिकों को ले जा रहा था वाहन, वो नदी में गिर गया, जिसमें अभी तक 7 जवानों की शहादत की सूचना प्राप्त हो रही है। सभी शहीद हुए जवानों के चरणों में हम सादर नमन व वंदन करते हैं। अपरा समाचार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। मां भारती के वीर सपूत के सिर चरणों में सादर नमन व वंदन करते हैं। आपको बता दें कि लद्दाख के तुरतुक में बड़ा हादसा हुआ है, वहां भारतीय सेना के 7 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। वहीं शहादत की सूचना के बाद में भारत में शोक की लहर छा गई और शासन प्रशासन व नेता सहित सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से शहीद को श्रद्धांजलि दी, वो शहीद परिजनों को सांत्वना प्रदान की है। वहीं शहीदों जवानों के साहस को भी नमन किया है। मां भारती के वीर सपूतों को बार बार हम नमन करते हैं। उनका ये बलिदान हम नहीं भुला सकते। वे सेना के विशेष वाहन से एक विशेष अभियान में जा रहे थे, वहीं सेना का वाहन पलटी खाने से वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। मां भारती के सपूतों के सिर चरणों में सादर नमन व वंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।